हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अभी हम लोग 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन पर देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर हम इनकी क्रम की बात करें बच्चों तो ये 15वें क्रम की हैं। किस क्रम की हैं, 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी बच्चों, तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, वो राजस्थान की रहने वाली थी। और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। किस जिले की हैं बच्चों, तो ये उड़ीसा का मयूरभंज जिला है, वहाँ की रहने वाली हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और देश की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। तो ये जितने भी पॉइंट हैं आप याद रखिएगा। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं और प्रतिभा देवी सिंह राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। ये इनमें दोनों में समानता दिखाई दे रही है, ठीक है। तो राजस्थान से दो पॉइंट हैं कि राजस्थान की थी ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी और देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं और देश की दूसरी महिला आदिवासी राष्ट्रीय, महिला के रूप में दूसरी है, आदिवासी के रूप में पहली है, ठीक है बच्चों। कहाँ से हैं, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से हैं। किस क्रम से है, तो 15वें क्रम की हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। ये याद रखिएगा, इनसे पहले युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो इनसे पहले बच्चों युवा राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। नीलम संजीवा रेड्डी वो 64 साल 2 महीने कुछ दिनों के थे और ये 64 साल 1 महीने हैं। तो इनसे तीन पॉइंट बनेंगे कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की हैं, 15वें क्रम की हैं, कहाँ की हैं, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले की हैं, सबसे युवा हैं। तो ये कुछ स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक बच्चों। तो इतने पॉइंट आपको द्रौपदी मुर्मू से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, जगदीप धनखड़ बन गए हैं। किस क्रम के हैं बच्चों, तो ये 14वें क्रम के हैं। कहाँ से हैं बच्चों, तो ये राजस्थान से हैं। कहाँ से हैं, राजस्थान से। तो राजस्थान ने देश को दो अभी तक उपराष्ट्रपति दिए हैं। एक कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। ये भी कहाँ के थे, भैरव सिंह शेखावत भी राजस्थान के थे, ये राजस्थान के ही थे। और ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के ससुर भी हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इन्हीं को हराकर राष्ट्रपति का पद जीता था। तो राजस्थान से दो राष्ट्रपति हो गए, कौन कौन से, भैरव सिंह शेखावत और वर्तमान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी आपके बच्चों राजस्थान के रहने वाले हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो दो राष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने दो दो कार्यकाल पूरे किए हैं। कौन कौन है, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने दो कार्यकाल पूरा किया है। और दूसरे राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी हैं जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए हैं, ठीक है बच्चों। राष्ट्रपति में सिर्फ एक ही है, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन उपराष्ट्रपति में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। संबंध कहाँ से है, राजस्थान से। राजस्थान से कितने राष्ट्रपति हुए, दो। इनसे पहले कौन रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है बच्चों। क्रम कौन सा है इनका, 14वां क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट लेते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दास मोदी है। किस क्रम के हैं, 15th क्रम के हैं व्यक्ति के क्रम में। तो इन्हें तो आप जानते हैं, कहाँ से, गुजरात से हैं। गुजरात में एक जिला पड़ता है बटनगर, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इनसे तो आप परिचित ही हैं, लंबे समय से हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, स्पीकर की। तो वर्तमान समय में स्पीकर कौन से हैं, ओम बिरला। ये कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। और किस क्रम की लोकसभा है, तो 17वीं लोकसभा है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का रहा। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जी वी मावलंकर जी थे। पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बच्चों कौन रही, तो मीरा कुमार जो है देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट है मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान समय में देश का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उदय उमेश ललित को बनाया गया है। यू ललित के नाम से जाना जाता है बच्चों इनको। ये किस क्रम के हैं,
तो ये 49th क्रम के हैं। पहले कौन थे? तो पहले एच जी केनिया थे। क्या नाम था उनका? एच जी केनिया। वर्तमान में कौन है? उदय उमेश ललित। सबसे लंबे कार्यकाल वाले कौन है? वाई वी चंद्रचूड़। उन्हीं के पुत्र डी वाई चंद्रचूड़ 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नवंबर में इनका कार्यकाल समाप्त होगा और उनके बाद आने वाले मुख्य न्यायाधीश जो होंगे बच्चों, वो कौन होंगे? डी वाई चंद्रचूड़ 50वें क्रम के देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनके पिता का नाम था वाई वी चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे कार्यकाल वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश की, तो वो कौन थे बच्चों? तो वो कमल नारायण सिंह थे। 17 या 18 दिन का उनका कार्यकाल था, तो वो सबसे छोटे कार्यकाल वाले हैं। तो इतने पॉइंट याद रखेंगे। वर्तमान में ये किस क्रम के हैं? 49वें हैं। उदय उमेश ललित, यू यू ललित के नाम से इनको जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये वकील थे जो हाईकोर्ट में जज बने और फिर CJI बने। तो वकील से आने वाले ये व्यक्ति थे, ठीक है। और ऐसे एक व्यक्ति और हैं जो वकील थे, फिर हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज बने और चीफ जस्टिस बने। SM सीकरी। क्या नाम था बच्चों उनका? SM सीकरी। पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हाईकोर्ट से न्यायाधीश बने और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। और दूसरे कौन है? उदय उमेश ललित। SM सीकरी के बाद उदय उमेश ललित ऐसे एडवोकेट हैं जो न्यायाधीश बने और चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचे। इतने पॉइंट आप मुख्य न्यायाधीश से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट देते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। कौन बन गया बच्चों? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ये अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए बनाया जाता है। कितने बनाए जाएंगे इसका कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। वर्तमान समय में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है। अगला पॉइंट लेते हैं बच्चों, अगला पॉइंट है महान्यायवादी। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इन्हें प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? प्रथम विधि अधिकारी के वेणुगोपाल है। इन्हें वकीलों का वकील भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे वकीलों का वकील कहा जाता है। आर्टिकल 76 में उसका उल्लेख है। और ये संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है। इसे ये शक्ति अनुच्छेद 88 प्रदान करती है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो महेंद्र चंद्र सीतलवाड़ थे। क्या नाम था उनका? MC सीतलवाड़। महेंद्र चंद्र सीतलवाड़। सबसे छोटा कार्यकाल था किसका? सोली सोराब जी का। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है CAG। कैग इसे बच्चों कहा जाता है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका उल्लेख 148 से लेकर 151 तक में किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में CAG के प्रमुख हैं। कौन है? CAG के प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। पहले कौन थे? विनोद नरहरी राव पहले थे, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। याद रखिएगा इनका उल्लेख आर्टिकल 148 से 151 तक में किया गया है। अगला पॉइंट है CGA। CGA के पद पर सोनाली सिंह है। इनका क्रम जो है वो 26वां क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? CIC मुख्य सूचना आयुक्त। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त है। अगर हम बात करें RTI की, तो ये कब पारित हुआ था? तो ये 12 अक्टूबर 2012 को पारित हुआ बच्चों। कब पारित हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ और जून 2006 में इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। RTI को इसको अनुच्छेद 19 में समाहित किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। वर्तमान समय में प्रमुख कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों नीति आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग की बात करें तो यह अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया था। कब आया? 1 जनवरी 2015 को बच्चों यह अस्तित्व में आया। ये प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आया था, योजना आयोग के स्थान पर आया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और इसके वर्तमान समय में CEO कौन है? तो वर्तमान समय में इसके CEO परमेश्वरन अय्यर हैं। परमेश्वरन बच्चों यहाँ पर ना है, परमेश्वरन अय्यर है।
जो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, ये तीसरे क्रम के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, राज्यसभा के वर्तमान समय में सभापति कौन है? तो सभापति जो राज्यसभा का होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो कौन होंगे? जगदीप धनखड़ जी होंगे। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति कौन होंगे? हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान समय में उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है बच्चों, लोकसभा की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। राज्यसभा के महासचिव बच्चों कौन है? पीसी मोदी। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? एम थंबीदुरई। राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार की बात करें, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पर कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं, नेशनल एस सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं। ठीक है बच्चों, मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद किसे दिया गया है? तो अनंत नागेश्वरम जो हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर लें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं। एनके सिंह लिखा होता है बच्चों, क्या लिखा होता है? एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। क्या बन जाएगा? नंद किशोर सिंह वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वित्त आयोग क्या करता है? करों के बंटवारों को सुझाव देता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, 21वें विधि आयोग की अगर हम बात करें, 21वें विधि आयोग की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में कौन है? बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1905 में हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, भारत में रेलवे बोर्ड का गठन वर्ष 1905 में हुआ और रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हो गया? 1950 में। रेल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका बच्चों NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसके? NHRC के। NHRC मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। कब मनाया जाता है बच्चों? 10 दिसंबर को प्रत्येक साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ही प्रत्येक साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। वर्तमान समय में अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। मानवाधिकार आयोग के हनन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका हनन अमेरिका करता है और भारत में सबसे ज़्यादा हनन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, इतने पॉइंट हम लोग NHRC से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाँ, NHRC के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान समय में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है बच्चों? इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान समय में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 340 में किया गया है और राष्ट्रपति इसके आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, इसका गठन करते हैं। OBC के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। कौन है बच्चों? भगवान लाल साहनी OBC आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ST आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। ST आयोग के अध्यक्ष शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासी आयोग जो कहा जाएगा उसके अध्यक्ष कौन हैं? हर्ष चौहान हैं। ST आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय में विजय सांपला हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ था। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा हैं। कौन है? रेखा शर्मा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका UPSC संघ लोक सेवा आयोग। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। कौन है? मनोज सोनी हैं वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष। SSC के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में एस किशोर SSC कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। ठीक है बच्चों, वर्तमान समय में अध्यक्ष है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वर्तमान समय में अध्यक्ष निधि छिब्बर हैं। इंपॉर्टेंट है, पहली बार महिला को बनाया गया है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
की अध्यक्ष कौन बन गई है, तो निधि छिब्बर को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट लेते हैं, एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एनसीईआरटी के वर्तमान समय में अध्यक्ष या चेयरमैन दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। सीवीसी की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके प्रमुख कौन है? सुरेश एन पटेल हैं। ठीक है बच्चों, सुरेश एन पटेल हैं। बात करें इसरो की, तो इसरो के वर्तमान समय में प्रमुख कौन है? ये नहीं है, एस सोमनाथ वर्तमान समय में है। किस क्रम के हैं? तो दसवें क्रम के हैं। इसरो का गठन कब हुआ बच्चों? तो 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पिता भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आप इसरो से याद रखेंगे। ठीक है, कब गठन हुआ? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। वर्तमान समय में एस सोमनाथ दसवें क्रम के अध्यक्ष हैं। पहले कौन थे? विक्रम साराभाई। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता भी कहा जाता है। डीआरडीओ की बात करते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं। इसका गठन कब हुआ? 1958 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एक बार आप देख लीजिएगा, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छा भी लगेगा। इसे अधिक से अधिक लाइक करें और बच्चों शेयर करें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे बच्चे इसे सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी मित्रों दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभरात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।